हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं वन डायमेंशनल एरे के अंदर एक एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो हम सी प्रोग्राम की मदद से कैसे कर सकते हैं वो। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वन डायमेंशनल एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए एक अल्गोरिदम देखा था। अगर हम वही अल्गोरिदम को यहाँ पे फॉलो करें तो अल्गोरिदम का नाम हमें एरे अंडरस्कोर इंसर्शन रखना था और उसके अंदर हमें चार पैरामीटर पास करने थे, एक एरे खुद, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ काउंट, उसके बाद पोजीशन की जहां पे हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है और उस पोजीशन पे जो नंबर हमें इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू, और इसकी रिटर्न टाइप हम वॉइड रख देते हैं क्योंकि हमने लास्ट में सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट ही लिखा। अभी उसके अंदर हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया था कि आई इज इक्वल्स टू काउंट, उसके बाद हमने दो स्टेप रिपीट किए थे। तो यहाँ पे हम एक वाइल लूप ले लेते हैं और उस while loop के अंदर condition के तौर पे लिखते हैं कि i greater than position। loop के अंदर हमें दो steps लिखने थे कि a of i is equals to a of i minus 1 and i minus minus। and फिर loop के बाहर हमें एक statement लिखना था कि a of position is equals to value। और उसके बाद हमने return statement लिखा था जो कि simply हमारे control को return कर देगा। अभी यहाँ पे जो हमने एरे इंसर्शन का पूरा फंक्शन लिखा है उस फंक्शन को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट अस से उसके लिए हम लिखते थे void array underscore insertion और उसके अंदर हमें सारे पैरामीटर्स डाल देने हैं, इंटीजर a, उसके बाद इंटीजर काउंट, उसके बाद इंटीजर पोजीशन और उसके बाद इंटीजर वैल्यू। अभी कोई भी फंक्शन हम लेते हैं तो उसके अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन आता है जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, फंक्शन डेफिनेशन आती है जो भी यहाँ पे हमने लिख दी है, और फंक्शन कॉल आता है तो वो हम यहाँ पे मेन के अंदर लिखते हैं जिसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। लेट अस से एरे इंसर्शन और उसके अंदर सारे पैरामीटर्स, लेट अस से एरे ए काउंट नाम का वेरिएबल, पोजिशन नाम का वेरिएबल और वैल्यू। अभी ये चारों वेरिएबल्स हमें ऊपर डिक्लेयर करने पड़ेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इंटीजर a ऑफ 10 काउंट पोजीशन एंड वैल्यू। उसके बाद हम clr str स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी सबसे पहले हम यूजर को ये पूछ लेते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूं कि परसेंटेज d और एड्रेस ऑफ काउंट, और स्कैनएफ के ऊपर हम एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि हाउ मच एलिमेंट्स डू यू वांट इन द एरे। उसके बाद हम जो भी वेरिएबल्स लेते हैं वो सारे वेरिएबल्स को यूजर के पास से रीड करवाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन काउंट और आई प्लस प्लस, और वहां पे हम सारे वेरिएबल्स को रीड करवाएंगे यूजिंग scanf फंक्शन जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि percentage d address of a of i, and scanf के ऊपर हम एक printf स्टेटमेंट लिखते हैं और उस printf स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं enter a of percentage, और percentage d की वैल्यू हम i से रिप्लेस कर लेते हैं। यानी कि ये printf स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें enter a of 0, सेकंड टाइम enter a of 1 ऐसे मैसेज प्रिंट करके देगा। नाउ उसके बाद हमें एक पोजीशन चाहिए कि कौन सी पोजीशन पे हमें नया नंबर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं scanf स्टेटमेंट, और scanf स्टेटमेंट के अंदर percentage d address of position, और scanf के ऊपर हम एक printf स्टेटमेंट लिखते हैं जिस printf स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि enter a position where you want to new element, एंड उस पोजीशन पे हमें जो वैल्यू चाहिए उसको भी हम यूजर के पास से ले लेते हैं, यानी कि उसके लिए हम लिखेंगे कि परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ वैल्यू, एंड उसके ऊपर हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे एंटर न्यू वैल्यू। अभी यहाँ पे हमने लूप के अंदर एक आई नाम के वेरिएबल का यूज किया तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर आई, एंड सेम वे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी हमने एक आई नाम के वेरिएबल का यूज किया तो उसको भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर आई। उसके बाद फंक्शन का कॉल खत्म हो जाए यानी कि हमारा नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाए, उसके बाद हम फिर से एक बार एरे को प्रिंट करवा देते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो वहां पे मैं लिखूंगा कि आई इज इक्वल्स टू जीरो,
i less than count plus 1 and i plus plus, और वहां पे मैं एक printf स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिस printf स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज के तौर पे लिखता हूँ कि a of percentage d is equals to percentage d, and percentage d की first value हम i से और second value हम a of i से replace करते हैं, और for loop के बाहर हम एक simple सा message print कर देते हैं, जिस message के अंदर हम लिखते हैं कि array after insertion, and फिर program को एक बार test कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट्स हमें इंसर्ट करने हैं, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं कि 5 एलिमेंट्स हमें इंसर्ट करने हैं, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी हमें कौन सी पोजीशन पे नया नंबर इंसर्ट करना है, तो हम लिखते हैं कि सेकेंड पोजिशन पे, और उसकी वैल्यू क्या है तो हम वो एंटर करते हैं 15। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंसर्शन के बाद 0 नंबर की पोजिशन पे 1 है, 1 नंबर की पोजिशन पे 2 है, 2 नंबर की पोजीशन पे जो हमने 15 इंसर्ट किया है वो आ गया है, और ओरिजिनल a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड a ऑफ 4 को हमने शिफ्ट करके a ऑफ 3, a ऑफ 4 और a ऑफ 5 में ले लिया है, यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे जो हमने काउंट की वैल्यू ली है वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, एज वेल एज वो जितनी भी हमारी एरे की साइज है उससे कम होनी चाहिए, जो इस प्रोग्राम के अंदर हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। उसके अलावा अगर हम एरे की साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे a ऑफ 10 की जगह पे a ऑफ 100,000 वगैरह लिख सकते हैं। सो आई होप आपको वन डायमेंशनल एरे के अंदर एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं उसके प्रोग्राम में समझ आ चुकी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।